क्या करीब हाजरी मान प्यारे नाम परिश सलवा लास्ट टाइम तीन पैराग्राफ बोले थे विचार के ऊपर कि तुम विचार करो वो कहां से आई पाकिस्तान जाएगी। दो घंटा सोचना चाहिए कहां से आई पाकिस्तान जाएगी। अभी इस विचार को जब आप मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद ख्याल की बात मौला ने किले कि आपका विचार पक्का है तो आपके सामने ख्याल हर वक्त आपके दिल में दिमाग में रह सकता है। इसी तरह पीरों ने फरमाया कि सतगुर कह रहे झूठा मरना तो सब झूठ मरे पर साचा न मरे कोई। गुर गिनाने जे मरे तसे बहु मरना न हो। ये पता नहीं कितने जन्मों से हम जन्म मरण में चलते आए हैं। लाखों हमारे जन्म हो गए, करोड़ों जन्म हो गए। हमारी रूह की उम्र अगर आप इलम से रूहानियत से ज्ञान से फरमान से देखें तो ये 20-30-40-50-60 बरस की हमारी उम्र नहीं। हमारी उम्र भी हजारों लाखों करोड़ साल की हो गई। ये मरना जो है ये हम सच्चा मरना जो है वो हम नहीं मरना जानते नहीं है नहीं मरते हैं और झूठा मरना हर वक्त मरते रहते हैं। तो पीरों ने फरमाया कि प्राण पुरुष तो अमर से पण काया मरी मरी जाए। रूह तो अमर है कभी नहीं मरता है लेकिन आपका जिस्म जो है वो थकता है और उसकी लिमिट पूरी होती है तो वो खत्म हो जाता है फिर नया जिस्म मिलता है। बूढ़ा हो जाता है दांत खत्म हो जाते हैं सब कुछ खत्म हो जाते हैं आंखें खत्म हो जाती फिर नया जन्म मिलता है तो फिर आंखें भी होती है ताकत भी होती है दांत भी होते हैं सब होते हैं। फिर इंसानी जन्म तो मुश्किल है लेकिन दूसरे जन्मों में हैवान को आप देखें दांत हैं आंखें हैं सब चीज है। तो ये झूठा मरना तो सब जुग मरे प्राण पुरुष तो अमर से काया मरी मरी जाए पर माया ममता न मरे सांल की तारो जीव लख चौरस फेरा। ये जितनी बातें अभी हमने सुनी फरमान के अंदर कि झूठ नहीं बोलना दगाबाजी नहीं करना इतना नहीं करना ये इंद्रियों को वश करना ये सब मायावी है। इसकी हिरस जितनी बढ़ाएंगे उतनी बढ़ेगी। इसको कंट्रोल में रखेंगे तो ये हमारे काबू में आ जाएगी। इसमें हकीकत कुछ भी नहीं फिर भी इंसान उसको सच्ची समझ के इसके अंदर इंसान अपनी जिंदगी जो है वो पूरी बर्बाद कर देता है। तो पीरों ने फरमाया कि प्राण पुरुष तो अमर से काया मरी मरी जाए पर माया ममता जहां सुधी न मरे कि जब तक आपकी ये माया ममता नहीं मरती है आप सब दुनिया की चीजों को बड़ी चीजें समझते हो दुनिया को बड़ी समझते हो दुनिया के जितनी भी मौला ने नियामतें बनाई है उसको आप बहुत बड़ा समझते हो हकीकत में वो कुछ नहीं। असल में जो चीज बड़े में बड़ी चीज है वो दीन है मुर्तजा अली है और हमारी रूह है। रूह है वो खुदाई शक्ति है। रूह की जो ताकत है वो इतनी ताकत है कि खुदा की ताकत और रूह की ताकत एक हो जाती है। अगर माया ममता मर गई तो इंसान की जो ताकत है वो हकीकतन खुदा की ताकत उसके अंदर एक हो जाती है। कि सदगुरु कह रहे ते जीवनी जीव अमतनी फरमाते हैं उसकी जबान भी मेरी जबान हो जाती है। मौला की जबान वो मोमिन की जबान वो मौला की जबान ते जीवनी जीव अमतनी ते वस्ते चे आ संसार माए तेने बंद बनाना अमतना तेनी दांत न जाना। किसी को पता नहीं चलता कि ये क्या है ये शख्स जो है इसमें क्या क्या है ऐसा लगेगा कि ये
सिर्फ दादा बोला बाला आदमी है, इसमें क्या है, कुछ इतनी ज्यादा समझ भी नहीं है, इतनी कोई तालीम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम उसको नहीं पहचान सकेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई इसका चेहरा डबल हो जाएगा या खौफनाक हो जाएगा या खतरनाक चेहरे वाला हो जाएगा या आंखें बदल जाएंगी या आदमी बदल जाएंगे, वही आदमी जैसा है ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर उतनी शक्ति आ जाती है। मिसाल की तौर पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग इंसान समझते हैं, अपने जैसा समझते, बौद्ध से जो अरब है बुद्धू लोग जो है वो तो पैगंबर भी नहीं बोलते थे, वो मोहम्मद मोहम्मद करके पुकारते थे। बहुत से लोग उसको एक छोटा सा आदमी समझते, लेकिन पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो ताकत थी कि जो चाहे जो इसकी मर्जी हो गए वो कर सकते थे, मौला भी उसके हाथ में पूरी अपनी सब चीज दे देते। मौला अपने खजाने की चाबियां दे देते हैं, लो मैं नहीं बोलूंगा कि तुम इसका इस्तेमाल ऐसा करो, करो जैसा करना है, लेकिन वो तो ऐसे इस्तेमाल करता है कि हकीकतन उसके अंदर हकीकत होती है, मौला का रूप होता है। इस तरह शमश माफी शमश माँ बाप की सदर थी मंसूर, उनमें इतनी ताकत थी, लेकिन दुनिया की इतनी कष्टियां सहन करके भी उन्होंने अपनी रूहानियत को हकीकत को कायम रखा। इसी तरह से पीर फरमाते हैं कि अगर आप सच्चा मरना मर जानते हैं तो इलम और ज्ञान के अंदर आप फना हो जाएं, आप इलम को अपने दिल में जगा दें, अगर आपके अंदर इलम आ गया तो आपकी खास की जो दृष्टि है जिस्मानी दृष्टि है वो हट जाएगी और रूहानी दृष्टि से आप सब जगह पे आपको रूह यानी नूर दिखेगा। इस तरह की सदुद्दीन माँ बाप की शमश माँ बाप ने फरमाया कि हम जहाँ देखते हैं हमको कोई बदन दिखने में नहीं आता, और मौला ने भी फरमान में यही फरमाया कि मैं देखता हूँ तो सब जगह पे रूह देखता हूँ, आपको जिस्म दिखने में आते हैं। क्यों? कि आप इल्म के अंदर आप नहीं हैं, अभी बे इल्म है, अज्ञानता है आपके अंदर, हालांकि मौला ने आपको बहुत इल्म दिया है, लेकिन आप उसको बोलते नहीं, आप उसकी तरफ गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते। तो यहाँ मौला ने हमको खजाने की चाबी देते हैं और पहले ये समझाते हैं कि तुम सोचो कि रूह कहाँ से आई, वापिस कहाँ जाएगी। इस पैराग्राफ को हम उठा लें, सिर्फ ये याद हो जाए हमारे दिमाग और दिल में घूमता रहे, रूह कहाँ से आई, वापिस रूह कहाँ जाएगी। इलम से तो आप सब देख सकेंगे कि जन्म जन्म से आ रहे हैं, कर्म और करण और कलप और जुग गए करोड़ों साल हो गए, लेकिन आप अपनी रूह से अपने आप को देख सकते हैं कि आप कहां से आए, इतनी ताकत आपके रूह के अंदर कि बाहर जो सखी वेद किताब निमा है ये गम नहीं कि वेद में कि कुरान में कि हदीस में कि दुनिया की किताबों में ये बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर मौला ने ऐसा खजाना रखा है आपके रूह में कि आप देख सकते हैं। पहले ये बात आप तय कर लो, मेरी रूह कहाँ से आई, वापिस कहाँ जाएगी। ये सोच आपके दिल में जब पैदा होगी तो इसकी लिमिट मौला ने बताई कि ये कितनी देर सोचना चाहिए। मौला ने फरमाया कि आप दिन में 2 घंटा जरूर ये करें, दिवस में 2 कलाक विचार करो कि रूह क्या थी आवे हो, 5 रूह क्या जिससे, ये 2 घंटा आप जरूर सोचे। आप कहेंगे कैसे सोचे, हम तो ये ख्याल करते हैं रूह कहां से आए, वापस रूह कहां जाएगी, तो हम यहां पर खड़े हो जाते हैं। जब तक कि आपकी एकाग्रता नहीं हुई है इल्म से फरमान से या इबादत में इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि आप इतना एक चीज पर सोच सकें,
तो आप एक ध्यान से फरमान तो दो घंटा पढ़ सकते हैं ना, तो ये भी आपकी सारी सोच इसमें जाएगी तो आप इसमें दो घंटा इसमें रहेंगे, इसकी बरकत से आपके दिल में ये ख्याल दिलो दिमाग में आएगा। जब ये दो तीन पैराग्राफ को आप समझ लेंगे और अमल आपका होगा तो आपको फायदा होगा, वरना आप सुनते सुनते जिस तरह मौला ने फरमाया कि अभी फरमान उन्होंने पढ़ा कि मेरे फरमान एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल नहीं देना, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ मौला, हाँ आई के सारी रीते सुझाना तो क्या इकड़े कर्म सुने बे कर्म गड्डी भी जो एड़ा आयो, क्योंकि हमारी जो है बेदरकारी और हमारी जो मस्ती है तो मौला जानते हैं कि ये लाडले हैं और ये काम नहीं करते, तो अब हयाती है तब तक तो हम लाड करेंगे, फिर मरने के बाद तो हमारी जो कमाई होगी वही काम आएगी, वो तो जजमेंट सबके लिए इंसाफ तो एक ही है। हयाती में आप लाड कर लो फिर हयाती पूरी हो जाएगी, फिर क्या होगा। तो जो बच्चा अपने बाप माँ बाप के कहने पर चलता है, अच्छी तरह से चलता है, तालीम लेता है, तो माँ बाप चले भी जाते हैं दुनिया से तो वो फिर सुखी होता है, उसकी तरक्की होती है। इसी तरह मौला फरमाते हैं कि दो घंटा आप सोचो। फिर तीसरा पैराग्राफ ये है कि तुम्हारा दिल में ये ख्याल हो जो है कि रूप क्या थी आगे पाछो रूप क्या जैसे, अब यहां सोचने के लिए नहीं बोलते, यहां ख्याल की बात, ख्याल है वो आप समझो कि एक बीज है जिस तरह जिसमें से दरख्त पैदा होता है, आपको बीज के अंदर दरख्त दिखता है नहीं दिखता है ना, लेकिन बीज जब जमीन में जाता है और उसको उसकी गर्मी मिलती है, फिर सूरज की रोशनी मिलती है, पानी मिलता है, तो बीज में से आस्ते आस्ते जाड़ जो है निकलता है और फिर दरख्त बन जाता है, फिर उसमें पत्ते आते हैं, फल आते हैं, वो फल आप तोड़ के खा सकते हैं। यही हमारा ख्याल है, ख्याल है ये रूहानियत की शरीयत, दरख्त है ये रूहानियत की तरीकत है, और इसके अंदर जब पत्ते और फूल वगैरह आते हैं तो फल पैदा होता है, ये हकीकत है, और जब फल तैयार हो गया तो आप उसको तोड़ के खाने में आपको क्या देर लगती, ये मार्फत। तो ख्याल में इतनी ताकत है कि आपका ये ख्याल होवे कि तुम्हारा दिल मां एक ख्याल हो जो है, दिमाग की बात नहीं है, तुम्हारे दिल के अंदर ये बात रेवे, दिमाग के अंदर है जब भी दिल में जाती है, तुम्हारा दिल मां एक ख्याल जो है कि रूह क्या थी आवियो अने पाछो क्या जैसे, एक ख्याल दिल मां थी अलगो नहीं कर दो, ये ख्याल आपके दिल में से अगर अलग नहीं हुआ, ऐसी आपकी प्रैक्टिस है तो वाकई आपको रूहानियत मिलेगी। ये कौन फरमाते हैं, खुद मुर्तजा अली, ये कोई भगत की बात नहीं है, कोई मिशनरी की बात नहीं है, उससे बढ़कर पीर और पैगंबर की भी बात नहीं, खुद मुर्तजा अली की बात, दीन दुनिया का मालिक है, रूह का मालिक, रूहानी पिता, ये बात हकीकत है और ये बात लोहे महफूज है, पक्की है, कभी भी इस बात में फर्क नहीं आया, आज से हजारों साल बाद में और आज से हजारों साल पहले भी अब यही बात थी, अभी भी यही है और हजारों साल बाद में भी यही बात रहेगी, इसमें चेंजेस नहीं होगी कभी भी। आ ख्याल तुम्हारा दिल माथी अड़गो नहीं कर जो, आप तो इश्क तुम्हारा विचार अने मोहब्बत वास्ते थी, ये सब इश्क और तुम्हारे विचार जो तुमने पहले विचार किया रूह के लिए, ये सब इश्क और मोहब्बत की निशानी है कि रूहानियत में तुम आगे बढ़ सकते हो
उसकी ये निशानी बताते हैं कि भाई आपके पास रूहानियत है, उसकी क्या निशानी है। बहुत से आदमी दावे करते हैं ना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है, मेरे से मौला बातें करता है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। लेकिन आप इस पैराग्राफ से उसको चेक करें कि ये चीज इसके अंदर है, अगर ये नहीं है तो इल्म में, अगर वो भी नहीं है तुम है तो तुम है, तुम भी है, सही बोलते होगा तुम नहीं तो तुम भी गलत बोलते, वो भी गलत बोलते। बोलते हैं वही जो मन मन के लड्डू खाने हो तो पूरा गड़ा भर के घी डाल दो, तो वो तो पैसा देना नहीं पड़ता है ना। लेकिन सच्चे लड्डू खाने हो तो उसको तो तोल के पूरा घी डालना पड़ता है, घी का पैसा लगता है, तो उस पर बराबर सबसे डालना पड़ता है। तो जो मन के लड्डू खाता है वो अपना जो है जो मन मानी जो आता है बोलता रहता है, लेकिन जो हकीकती है उसके पास ये चीज सुनी अवल तो वो बोलता ही। दिल माथी अर्गो नहीं कर जो आप तो इश्क तमारा विचार अने मोहब्बत वास्ते छे, हमें तमारा माटे इश्क छे छे तेथी सारो रस्तो तमने दिखाड़ी छे। तो मैं आपके रूहानी इश्क के लिए मैं चाहता हूं कि आपके दिल में रूहानी इश्क पैदा हो, इसीलिए आपको ये अच्छा रास्ता दिखाता हूं। अब एक ख्याल, इस ख्याल को अगर हम पकड़ लें तो हमारे लिए रूहानियत का रास्ता खुल जावे। लेकिन ये ख्याल को पकड़ना मुश्किल है, क्यों कि जब तक हमारा फरमान का जो पढ़ना है ध्यान से वो नहीं होगा तो इस ख्याल को हम नहीं पकड़ सकते। लेकिन हम फरमान को अच्छी तरह पढ़ते हैं तो आप चलते फिरते हैं वहां भी आपके सामने फरमान आते हैं, आप दूसरी चीज कोई भी उठाएंगे तो आपके सामने फरमान आए, इतने नक्श हो जाते हैं कि फरमान का ख्याल आपके दिल में आता है। इसीलिए मौलाना ने फरमाया कि जिस तरह जमीन में बी डालने में आता है इस तरह मेरे फरमान तुम्हारे दिल में रोकना, तो उसमें से अच्छे अच्छे फल पैदा हों। तो अच्छे अच्छे फल कौन से पैदा हैं कि आपकी ये प्रैक्टिस है तो आपको पता चलेगा कि मैं जहां सोचने जाता हूं वहां मेरे सामने फरमान आते हैं, जहां देखता हूं वहां मेरे सामने फरमान आते हैं। आप इंसान को देखेंगे तो आपके सामने ये फरमान आएगा कि तो तुम इसके जिस्म को नहीं देखो, रूह के लिए देखो, इसके रूह को क्या चाहिए, इसके रूह को खुराक मिलती है नहीं मिलती है, तो आप ये सोचेंगे तो आपकी सोच इबादत और बंदगी की तरफ जाएगी। रूह की खुराक क्या है? इबादत। और अगर इबादत नहीं करते हैं तो हमारे पास ये सोच नहीं आ सकती। जे शख्स इबादत नहीं करतो ते हक नहीं रोजी नहीं खाते। मौलाना ने फरमाया कि देखो जो शख्स इबादत नहीं करता है उसकी रोजी हलाल की नहीं, जे शख्स इबादत नहीं करतो ते हक नहीं रोजी नहीं खातो, तेना दिल ऊपर शैतान काबू करी तेनो ईमान लूटी लिए। ये कौन सा ईमान है? ये वो ईमान है जिसको तुम मौला को देख सकते हो। इबादत का वो ईमान है कि मौला को आप देख सकते हैं, मौला में आप फना हो सकते हैं। इबादत का जो इश्क है वो ऐसा है कि मौला के अंदर आप फना हो सकते हैं। इसे बहुत से आदमी इबादत नहीं करते, बहुत से दसों ने भी इबादत नहीं करते, बहुत से हजमत हजार हजार भी इबादत नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जमात खाने नहीं आते या खिजमत नहीं करते, लेकिन उस ईमान और इस ईमान में तफावत है, फर्क है जमीन आसमान का। वो हकीकत को देख सकेगा, वो हकीकत को नहीं देख सकेगा। वो दुनिया का जरा सा ठोकर लगेगी तो उसका ईमान हिल जाएगा, इसका ईमान जो है हिलेगा नहीं, क्योंकि इबादत में इतनी शक्ति है, हर तरह से हम लोगों को इबादत बचाती है।
और रूह का खुराक की बात है। अगर हमारे अंदर रूह है, इसको अगर हम खुराक नहीं देंगे, 24 घंटा काम लेते रहेंगे, तो ये हमारा दिल जो है वो तो खुश नहीं होगा। उसको तो खाना चाहिए, पानी चाहिए, इलम चाहिए। तो उसके लिए पानी है, ये नूरानी इलम है, खाना है वो इबादत है। तो ये दो चीज उसको मिलेगी तब उसके अंदर ये चीज आएगी। तो यहां मौला फरमाते हैं कि रूह बदन मां छे ते केतखाना मां छे। मोमन ने वाजब वाजब छे कि केतखाना माथी रूह ने काढ़ी सारी जिज्ञा मां राखे। एक एक पैराग्राफ ऐसा है कि इसके ऊपर एक एक घंटा हमको सोचना चाहिए, एक एक घंटा इसके ऊपर समझ लेनी चाहिए। सिर्फ ये पैराग्राफ नहीं है, इसमें पूरा दरिया आ जाता है, सारा समंदर आ जाता है एक पैराग्राफ में। कि तुम्हारे बदन में रूह है वो कैदखाने में है, मोमिन को वाजिब है कि कैदखाने में से रूह को निकालकर अच्छी जगह में रखे। कौन इसके लिए सोचता है? खुदा न खास किसी का बच्चा अगर जेल में हो, कैदखाने में हो, और उनके माँ बाप को ये पता चले कि मेरा बच्चा जो है उसको पुलिस पकड़ के ले गई है और जेल में बंद कर दी, तो वो सोन का नवाला खाता होगा ना, अच्छी में अच्छी गिजा खाता होगा ना, वो यहां रह जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। बोलेगा क्यों मेरा बच्चा कैद में, क्यों कैद में है, क्यों पकड़ के ले गए? अगर कोई गुनाह हो गया तो उसको छुड़ा के लाओ, कुछ भी करके। जब तक वो छुड़ा के नहीं लाते हैं तब तक वो सुकून से बैठ नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, पानी भी नहीं पी सकते। यहां मौला हमको फरमाते हैं कि तुम्हारा रूह बदन में है वो कैद में है। अगर हमारा मौला के फरमान पर पूरा इश्क और मोहब्बत हो, यकीन हो, तो हमारे दिल में इसके लिए कितना दर्द होना चाहिए। कैद में क्यों है, क्या वजह है जो हमारा रूह कैद में? मौला ने फरमाया कि तुम दुनिया में गुनाह करते हो, ईमान में सुस्ती रखते हो, दुनिया और शैतान की बाजी खाते हो, इसीलिए तुम्हारा आदम पने का रूह संगीन यानी भारी हो जाता है। कभी हम सोचते हैं कि हम क्या गुनाह करते हैं, धर्मी ईमानी माँ आदमी बोलेगा मैं तो जमात खाने जाता हूं, मैं तो दुआ पढ़ता हूं, मैं तो दसों देता हूं, ठीक है, मैं इबादत में भी जाता हूं। तो फिर मौला ने ये फरमाया कि मोमिन को वाजिब है कि अपने रूह को कैद खाने में से निकालकर अच्छी जगह में रखे। तो मोमिन तो तब हो सकता है जब दुआ दसवंद और इबादत हो गए, वरना तो मोमिन नहीं हो सकता। सिर्फ दुआ और दसवंद है तो वो मुरीद है, और जब बैतुल ख्याल में बंदगी में आवे तब मोमिन किया जाए। लेकिन ये मोमिन को मौला फरमाते हैं कि मोमिन को वाजिब है कि अपने रूह को कैदखाने में से निकालकर अच्छी जगह में रखे। ये फरमान जो है हम कभी इसके ऊपर गौर नहीं करते हैं कि जब हम बंदगी करते हैं, दुआ पढ़ते हैं, दसवंद देते हैं, फिर हमारा रूह कैदखाने में क्यों है? तो मौला फरमाते हैं कि तुम दुनिया में गुनाह करते हो, ईमान में सुस्ती रखते हो, दुनिया और शैतान की बाजी खाते हो, दो बाजियां खाते हो, एक शैतान की खाते हो, दूसरी दुनिया की खाते हो। शैतान की बाजी क्या है? शैतान की बाजी ये है कि झूठ बोलना, दगाबाजी करना, नाफरमानी करना, और गिला, गिब्बत, हसद, बदनजरी, खराब शब्द बोलना, गालियां बोलना वगैरह, ये जो चीजें हैं ना, ये सब शैतान की बाजी है। ये तुम खाते हो। अगर कोई मोमिन बोले बोले कि मैं गाली नहीं बोलता हूं, मैं किसी की हसद नहीं करता हूं, मैं निंदा नहीं करता हूं, मैं बदनजरी नहीं करता हूं,
हर एक चीज से अपने आप को बचाता हूं तो फिर दुनिया की बाजी हाथ में हो। दुनिया की बाजी क्या है, उसमें भी 11 चीजें हैं कि हमारे दिल में जो हमारी अपनी मोहब्बत है ना, अपने घर वालों की, फैमिली की, इसमें भी मौला का नाम और रूह का ख्याल जो है ना निकल जाता है। माँ बाप, भाई बहन, औरत और बच्चे, ये 6 चीजें जो है इसमें जीव है। माँ बाप, भाई बहन, औरत, बच्चे, अच्छा खाना, अच्छा रहना और अच्छा पहनना, ये 9 चीज इसके ख्याल और सोच, ये दुनिया की बाजी है। माँ बाप, भाई बहन, औलाद, स्त्री, बच्चे, इनको हम नहीं संभालेंगे तो कोई नहीं संभालेगा, पड़ोसी नहीं संभाल, हमको संभालना है। लेकिन इसके अंदर हम डूब जाते हैं, हमारे दिल में उनकी इतनी मोहब्बत है कि हमारे दिल में ये ख्याल रूह का जो है वो रह नहीं सकता। अगर हमारे दिल में उनकी मोहब्बत नहीं हो गई, दुनिया में इंसान को जन्म मिला है वो अपने रूह को आजाद करने के लिए मिला है। ये तो सब कर्म का लेन देन है, जो हमारी फर्ज है वो हमको पूरा करना है। लेकिन हम अगर उसमें रुक जाएंगे तो यहां भी बाजी आएगी। दुनिया में गुनाह करो छो, ईमान में सुस्ती रखो छो। ईमान में सुस्ती कैसे होती है, कि मौला का ख्याल या रूह का ख्याल ये हमारे दिल में नहीं है तो यहां ईमान में सुस्ती होती है। जब दुनिया का मौला का ख्याल नहीं है, याली का ख्याल नहीं है, रूह का ख्याल नहीं है तो दुनिया तो है, फिर माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, अच्छे कपड़े, अच्छे खाने, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, ये ख्याल तो हर एक इंसान को है। लेकिन रूहानियत मौला कितनी बारीकी से समझाते हैं कि ये भी एक आपको रुकावट है, इसमें भी आप रुके नहीं। मौला ने फरमाया कि तुम कहते हो कि हम मोमिन हैं, हम पूछते हैं कि जनावर से कौन सा उम्र तुम्हारे में ज्यादा। एक घंटा ख्याल करो कि रूह क्या है, इस तरह की आदत हो तो मोमिन बना जाता है। एक घंटा आप ये ख्याल करो कि आपका रूह क्या है, एक घंटा ख्याल, एक सेकंड ख्याल नहीं रहता इंसान के लिए। लेकिन प्रैक्टिस करने से होता है, प्रैक्टिस करने से ये चीज मिलती है, मेहनत करने से। मौलाना मैं ऐसा नहीं है कि ये पी शमश पी सदर दिन मौलाना रूमी जवा थी सक्या, एम नहीं समझता, तमें पण एतेवा थी सको छो, तेनाथी पण ऊपर थी सको छो। उनके भी घर थे, बच्चे थे, दुनिया थी, बिजनेस था, सब वो लोग दुनिया को छोड़ के चले नहीं गए, लेकिन उन्होंने इनान को, इलम को समझा कि गुरु गिनाने जे मरे वो इलम में फना थे, वो ज्ञान के अंदर फना थे, गुर गिना ने जे मरे किसे बोर मरा ना। मर्तबा इलम केरा, इलम मर्तबा, सब मर्तबा इलम केरा, सब हुनर ऊपर है आला। मर्तबा इलम केरा, इलम दरिया जैसा जिसका वार न पार, बहुत गहरा है, बेहद ऊंडा, में चीजां भरी है अनंत पार। ये सिर्फ बोलने से नहीं होता, या सिर्फ बोल के हम खुश हो जाते, इससे नहीं होता। वाकई ये इलम का मर्तबा इतना दरिया है कि आपके पास ये ख्याल अगर आपके अंदर मजबूत हो गया यादगिरी का, तो आपको ये कितना अंदर ले जाता है, कितना गहरा ले जाता है। ये तो आप फिर सदरुद्दीन पीशमश मौलाना रूमी इनके आप लाइफ देखेंगे तो उन्होंने कितना हासिल किया, कितना कमाया सतपथ में से, इतना कमाया कि जिसका शुमार नहीं। जितना गहराई में जाते थे उतनी इनकी एकाग्रता बढ़ती जाती थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बंदगी के टाइम में जाते थे, हर वक्त जब भी ये सोचना चाहे ये एकाग्रता हो सकती।
जिस तरह लोग बोलते हैं कि कारारोड़ा मिशनरी, या एक और भगत की मैंने बात सुनी कि उसको ऑपरेशन कराना, कोई ऐसा फोड़ा निकला उसके पीठ में, ऑपरेशन कराना। उसने पूछा कि डॉक्टर को कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर ने उसको टाइम दिया कि घंटा या आधा घंटा लगेगा। बोला मुझे क्लोरोफॉर्म सुनाने की जरूरत। ऐसे ये ख्याल के अंदर ऐसा फना हो गया कि डॉक्टर देखता है उसने कुछ ऑपरेशन कर लिया। इसकी कितनी देर के बाद उसको होश आया, जब पूछता है कि मेरा ऑपरेशन हो गया। वहां ये कौन सी चीज, ये यही चीज है जो मौला ने फरमाया कि तुम्हारे दिल में ये ख्याल होना चाहिए कि रूह कहां से आई, वापस कहां जाएगी। ये ख्याल तुम्हारे दिल में से अलग नहीं हो रही।